सादर प्रणाम। एनसीईआरटी की वेबिनार सीरीज सुने और सीखें, लिसनिंग टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुख्य है। मैं गगन गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली में आज थोड़ी ठंड है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सर्द है। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारा 25वां सेशन है और ये बड़ा मुख्य है। और आज हमारे पास, हमारे साथ इस 25वें सेशन पर एक बहुत ही मुख्य और बहुत ही अच्छे वक्ता हमारे साथ हैं, प्रोफेसर के तलवार, जो कि इस समय वर्तमान में PSRI हॉस्पिटल नई दिल्ली में चेयरमैन हैं, कार्डिक सर्विसेज चेयरमैन हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप इस प्रोग्राम को PM ई विद्या चैनल 9, 10, 11, 12 पर लाइव देख रहे हैं। साथ में आप इसको NCERT के YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी देख रहे हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो, आप हमें YouTube चैनल के थ्रू हमें दीजिए, और साथ साथ आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ईमेल एड्रेसेस पर भी अपने प्रश्न दे सकते हैं। आज सर्कुलेटरी सिस्टम पर बात करने के लिए प्रोफेसर तलवार हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आपको प्रोफेसर तलवार के साथ थोड़ा सा आपका परिचय कराऊँ। प्रोफेसर तलवार इस देश के थर्ड बिगेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्डी हैं, पद्म भूषण। प्रोफेसर के तलवार MD, DM, DSC, FAMS, FNA, FACC एंड फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर्मर डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पॉपुलरली कॉल्ड PGIMER, चंडीगढ़, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, न्यू दिल्ली, फॉर्मर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर, साकेत, न्यू दिल्ली, एंड फॉर्मर ऑनरेरी एडवाइजर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, पंजाब गवर्नमेंट, एंड ही इज प्रेजेंटली विद द PSRI हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। प्रोफेसर केवल कृष्ण तलवार इज एन एमिनियंट मेडिकल प्रोफेशनल इन द कंट्री। In 1980, he joined the cardiology department at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, as faculty member. Significant contributions of Professor Talwar in cardiovascular sciences include initiating the technique of endomicrocardial biopsy, EMB, in 1986, heart transplant program at All India Institute, where first heart transplant in country was done in 1994. And development of specialty of erythema in the country. Dr. Talwar is first in India and in fact in South Asian region to introduce the therapy of automatic implantable cardioverter and defibrillator called ICD in 1995. He is recognized as one of the pioneers in the field of electrophysiology, pacemaker and heart failures. He has published more than 239 articles and 236 abstracts in both national and international journals of repute, and has contributed 19 chapters in different books. Professor Talwar, as chairman of Medical Council of India, ensured medical admissions through merit across the country by initiating and notifying NEET examinations. Professor Talwar, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर सुनीता फरक्या, जो कि विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग NCERT की विभागाध्यक्ष हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रोफेसर फरक्या से मैं अनुरोध करता हूं कि प्रोफेसर तलवार का स्वागत करें और उनसे अनुरोध करें कि हमें आप अपने बारे में अपना भाषण दें। गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ National Council of Educational Research and Training, and on my own behalf,
I welcome all present here in the studio of CIET, NCERT and connected to this webinar series, listening to learn of National Student Outreach Program of the Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, either through video conferencing or through YouTube channels of NCERT. It is a matter of great pleasure for me in welcoming Dr. Talwar, Dr. K.K. Talwar, Padma Bhushan awardee to the CIET studio for delivering a talk on circulatory system. It is important and indeed motivating to our children in general to know more about circulatory system. Friends and colleagues, yes, this is a platform of NCERT which is providing an opportunity to learn about diverse issues related to contemporary and relevant issues with the school education. Besides addressing to the societal changes, challenges and problems, this forum is also created for connecting the global Indian science and technology diaspora with the motherland. We have already organized and also going to have such sessions with Indian scientists and technocrats working outside India in this forum. Today it is the 25th session of this webinar series. It is expected that the series of such interactive sessions will continue with different experts from various research and development institutions and different government departments and ministries. I once again welcome all of you and invite to enjoy today's session with Dr. K.K. Talwar on circulatory system. Professor Talwar, please. Thank you. Namaskar. पहले तो मैं श्री गगन गुप्ता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया. मैडम ऑल्सो एंड मैं सभी बच्चे जो इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप सबको अपने जो भी क्लासेस हैं अच्छे अच्छे आप स्कोर करें और आगे जो भी आपका मिशन है जो आपका कैरियर में जो बनना है तो मेरी यही प्रार्थना है परमात्मा को आपको सबको आशीर्वाद दे और मेहनत करें आप लोग अपना एम्स पूरा करने के लिए. मैं आज आपको एज ए मेडिकल पर्सन मेडिकल साइंटिस्ट मैं आपको थोड़ा और मेरी जो हार्ट स्पेशलिटी की एरिया है जो मेरा स्पेशलाइजेशन है मैं आप सबको सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड के बारे बताता हूँ. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हम कहें तो एक तो मेन तो हार्ट होता है और फिर ब्लड वेसल्स हैं जो कि तीन तरह के होते हैं. आर्टरीज हम कहते हैं, वेन्स कहते हैं, फिर कैपिलरीज होती हैं. मैं थोड़ा इनके बारे आपको आगे बताऊंगा और फिर जो इस हार्ट के थ्रू इन कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स के थ्रू सारी बॉडी में सारे सेल में ब्लड जाता है ताकि न्यूट्रिएंट देने के लिए ऑक्सीजन देने के लिए वो ब्लड के बारे. तो ये थोड़ा एक कॉम्पैक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है जो एक बॉडी में काम करता है. नाउ जितने भी हायर एनिमल्स और जो मैमल्स हैं सब में बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम ये ट्रांसपोर्ट करता है जो सब इन द बॉडी वेरी इफेक्टिवली. और जैसे मैंने कहा है कि पंपिंग ऑर्गन जिसको हम हार्ट कहते हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं जो उसके साथ कनेक्टेड है. आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड लेके जाती हैं ऑर्गन्स में और वहाँ से ऑर्गन से जो ब्लड जो बेस प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ है वो ब्लड के थ्रू वेन्स के थ्रू हार्ट की तरफ आते हैं. ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोस्ट अराउंड 500 साल 1600 के बीच की बात है. डॉक्टर विलियम हार्वे थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया और ये बड़ा वेल डिस्क्रिप्शन है. देखिए इतने साल पहले उन्होंने बताया कि कैसे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है. वैसे देखा जाए वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में दो तरह का होता है. एक ओपन भी होता है जो छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं और एक जो मैंने कहा मैमल्स में जो
उस सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज हम उसको कहते हैं। ये जो इंसेक्ट या मोलस्कस, ये इनमें जो ब्लड होता है उसको ओपन सिस्टम कहते हैं, उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होते, ब्लड फ्लो ऐसे ही बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है कैविटी चैनल्स के थ्रू, जिसको हम मेडिकली लैकुना और साइनसिस भी कहते हैं। पर जो मेन आज का जो डिस्कशन है, जो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन मैमल्स में जो है, उसके बारे में आपके थोड़ा शेयर करूँगा कि कैसे ये फंक्शन करता है और कैसे बॉडी को सपोर्ट करता है। सो जैसे मैंने कहा, ब्लड हार्ट से निकल के जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है। नाउ लेट अस लुक एट दिस, ये एक हार्ट है। ये जो देखिए इस तरह होता है बॉडी में, चेस्ट में होता है, ज़्यादा लेफ्ट की तरफ होता है, और दोनों उसके साइड में लंग्स होते हैं। और जो हार्ट का होता है, इसमें ये हैं अब वेसल जो हम कहते हैं, जो हार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। आर्टरीज हैं जो कि ब्लड हार्ट से पंप होने के बाद आर्टरीज के थ्रू ये सभी बॉडी के ऑर्गन्स में जाते हैं, और ये कैपिलरीज होती हैं जहाँ से ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज करते हैं ऑर्गन्स में, और जो वहाँ से कलेक्शन होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको, वो वापस आते हैं वेंस के थ्रू और डिफरेंट ऑर्गन से आते हैं, और फिर ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ आते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो प्योर ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर ये वेन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि हार्ट में आके लंग्स में जाता है। तो इस तरह सर्किट है जो बना हुआ, मैं आपको थोड़ा, और ये जो आर्टरीज है इसकी भी तीन वॉल्स होती हैं। एक होती है एंडोथीलियम, जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, पतली होती है बहुत, और फिर होती है ट्यूनिका मीडिया जिसमें मस्कुलर बाल होती है, और एक ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है जो बाहर की एडवेंट। तो ये तीन लेयर होते हैं आर्टरीज की, और तीन लेयर वेंस की भी होती हैं, पर वेंस थिन होती हैं, जैसे मीडिया में वहाँ मसल नहीं होता। तो ये एक तरह के चैनल बने हुए हैं जो ब्लड फ्लो को सारे ऑर्गन्स में लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद वापस लेके आते हैं। जैसे मैंने बताया, आर्टरीज में थिक, एक आर्टरीज है थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स मेड अप ऑफ थ्री कंसेंट्रिक लार्ज, मैंने बताया ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया जिसमें ज़्यादा मसल होता है, ट्यूनिका इंटरना इंटीमा। ए ऑल दीज लेयर्स हैव गॉट स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। फिर ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज मैंने बताई आपको, जैसे ये है बहुत थिन स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें सिर्फ एंडोथीलियम ही, ये इससे ब्लड की जो कंटेंट होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं ऑर्गन में। तो ये बहुत थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी में। तो दिस इज हाउ दिस सर्कुलेटरी सर्किट जो बॉडी में है मेन होता है। हार्ट से ब्लड आर्टरी में जाता है और फिर वेन के थ्रू हार्ट की तरफ आता है। ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, मेटाबोलाइट्स हैं बॉडी के, और अदर सब्सटेंसेस, दे आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू थ्रू दीज कैपिलरीज, जो मैंने बहुत थिन वॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाई उस डायग्राम में। दो जैसे है कि हार्ट एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो उसके थ्रू, मतलब लंग्स में या हार्ट के ऑर्गन में ब्लड जाता है। इसका जो वेट होता है हार्ट का, अबाउट 300 ग्राम्स होता है। ये एक हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हार्ट जो है, इसके कार्डिक मसल होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा इसके बाद। और इसमें चार चेंबर होते हैं हार्ट में, दो हम ऊपर कहते हैं जिसको ऑरिकल भी कहते हैं, और एट्रियम इज देते एट्रियम, ए टू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दो चेंबर होते हैं, और दो नीचे होते हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो भी राइट एंड वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और हार्ट के अंदर जो ये चेंबर है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, एक इनके अंदर एक पार्टीशन होती है जिसको इंट्राएट्रियल सेप्टम कहते हैं, और फिर ये जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया आपस में कनेक्टेड होते हैं, और उसमें वेल्व होते हैं। जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल कनेक्ट होता है, उसके अंदर एक वेल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं।
और जैसे जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जो वेल्व होता है उसको हम मिट्रल वेल्व कहते हैं। तो ये वेल्व जो होते हैं, मैं बताऊंगा इनका क्या फंक्शन होता है, सर्कुलेशन में कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो फिर राइट वेंट्रिकल जो होता है वो अपना पंप ब्लड करता है लंग्स में, उसको थ्रू पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो बॉडी को करता है उसको एओर्टा कहते हैं, और ये जो वेल्व्स होते हैं उसको सेमीलूनर वेल्व्स कहते हैं। ये भी उनको एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल वेल्व होता है, ताकि कभी क्लोज होते हैं कभी ओपन होते हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो ये जो वेल्व्स होते हैं इसका फायदा होता है कि ब्लड एक तरफ जाता है फिर दूसरी तरफ नहीं आता। जैसे देखिए ये तो है हार्ट का, जैसे मैंने दिखाया था, अब देखा जाए ये है इसका राइट वेंट्रिकल, राइट ये ऊपर वाला है राइट एट्रियम, इसमें ब्लड आता है बॉडी से, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं और एक इन्फीरियर वेना केवा है, ब्लड यहाँ आके फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकुलर में। ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकुलर है, और ये जो कस्प हैं इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये तीन कस्प होते हैं जो थिन स्ट्रक्चर होते हैं, जो जब ब्लड यहाँ से राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है तो खुल जाते हैं, फिर जब राइट वेंट्रिकल से ये जाना होता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो फिर ये बंद हो जाता है, ताकि पीछे ये ब्लड फ्लो ना करे एट्रियम। तो ये एक तरह का बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म जो नेचर ने बनाया हुआ है, बहुत इम्प्रेसिव मैकेनिज्म है। इसी तरह अब लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये है राइट वेंट्रिकल की आउट फ्लो, यहाँ से ब्लड फ्लो करके लंग्स की तरफ जाता है। ये सेमीलूनर वेल्व जो मैंने कहा इसको पल्मोनरी वेल्व भी कहते हैं। तो ये जब खुल जाते हैं तो ब्लड यहाँ से पंप होके लंग्स में जाता है, और जब ये बंद हो जाते हैं तो बैक ब्लड नहीं आता हार्ट में। इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, इसमें भी एक एंडोथीलियम होती है, फिर मसल होता है, एक पेरिकार्डियम, ये तीन लेयर होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में भी मसल में, और पेरिकार्डियम इसकी आउटर लेयर होती है जिसके अंदर थोड़ा सा फ्लूड भी होता है, बहुत कम होता है, अराउंड 5 to 10 cc काइंड ऑफ थिंग। सो इस तरह का ये ऑर्गन है, और ये लेफ्ट एट्रियम है, और इसमें भी देखिए मिट्रल वेल्व है, टू कस्प होते हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो ब्लड लंग से यहाँ लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये इसी तरह ये आउटफ्लो है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल का, कि यहाँ से जो ब्लड है एओर्टा में जाता है, और ये बड़ा ये सेमीलूनर वेल्व, इसको हम एओर्टिक वेल्व कहते हैं। तो ये एक हार्ट की एनाटॉमी है जिससे ऑर्गन्स को फंक्शन होने में जो नॉर्मल फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा, अगर इस डायग्राम से देखें तो ये है सुपीरियर वेना केवा, यहाँ है इन्फीरियर वेना केवा, ये ब्लू है बिकॉज ब्लड जो वेन ब्लड होता है थोड़ा ब्लू होता है, डार्क होता है। तो ये आते हैं राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जब यह ट्राइकस्पिड वेल्व से खुलता है तो फिर ये जाते हैं राइट वेंट्रिकल में, फिर ये पंप करता है टू द लंग्स, और लंग्स से फिर ब्लड साफ होके ऑक्सीजनेशन होके लंग्स में से ये आता है पल्मोनरी वेन्स में लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पंप होके थ्रू बेंजोवे वेल्व खुल जाते हैं, तो एओर्टा में जाके सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। कुछ आर्टरीज होती हैं उनकी ब्रांचेज एओर्टा की जो ब्रेन में जाती हैं, नीचे बॉडी के और ऑर्गन में, हर एक ऑर्गन के लिए एक एक ब्रांच एओर्टा से निकलती है। तो इस तरह की जो ये सर्कुलेशन है ये मेंटेन्ड है, ये सिस्टम है जो बड़ा इफेक्टिव कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये होता है कि हार्ट अब ये कंट्रैक्ट कैसे होता है उसको, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है हार्ट के अंदर, उसमें क्या होता है कि एक पहले होता है साइनोएट्रियल नोड, हम इसको कहते हैं, ये राइट एट्रियम जो मैंने ऊपर चैम्बर वाला राइट साइड का उसके ऊपर होता है, और वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू होती है विच देन गोज टू द अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। उसको मैं दिखाऊंगा एक डायग्राम में कि क्या क्या हम नाम देते हैं। वो कंडक्शन सिस्टम जब हार्ट को स्टिमुलेट करता है तो उसी तरह जो हार्ट की बीट है और जो पल्स हम देखते हैं वो जनरेट होती है। तो
देखिए ये एट्री वेंट्रिकल नोड, मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, इस तरह होता है। साइनस नोड है ये, राइट एट्रियम के जो राइट सेंटर अपर चेंबर है उसके ऊपर होती है लगी, जहाँ SBC जो कनेक्ट होती है उसके पास होती है। उसके बाद इसके थ्रू स्मॉल कनेक्शन, इसको इलेक्ट्रिकल वायर ही समझिए, कनेक्शन के थ्रू ये AV नोड होता है, ये जहाँ एट्रिया ख़त्म होता है और वेंट्रिकल शुरू होता है वहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है। और ये फिर नीचे बंडल ऑफ हिस हम इसको कहते हैं, ये फिर दो ब्रांच में, लेफ्ट बंडल तो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है, राइट बंडल राइट वेंट्रिकल। ये जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल, ये उसको हार्ट को जाके जो स्टिमुलाई आते हैं, जो एक्टिविटी आती है वो स्टिमुलेट करती है, तो हार्ट फिर पंप करता है। तो ये एक तरह का आपने देखा होगा कि चार चेंबर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो चेंबर में ब्लड आता है पर उसको कैसे कंट्रैक्ट करना है सो दैट के वो आगे जाके ब्लड को सप्लाई करे ऑर्गन को। ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो मैंने कहा, तो एक 70 to around 70 टाइम पर मिनट ये एक्टिविटी शुरू होती है, तभी हम कहते हैं पल्स रेट जो हमारा होता है 70 के करीब होता है। तो ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, मैं उस पर आऊँगा। तो ये इसका एक्टिविटी है हार्ट की। तो कार्डिक साइकिल जो ये जनरेट होता है, टिपिकली रिपीटेड इन कॉल, इसका सबसे एक सिस्टले कहते हैं हम, डायस्टले कहते हैं, इसके भी थोड़ा मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका मतलब क्या है, सिस्टले का और डायस्टले का क्या मतलब है। सो ऑल द फोर चैम्बर आर पहले रिलैक्स स्टेट में होते हैं, एंड एज द ट्राइकस्पिड एंड बैक, जो मैंने बताया कि जो जनरेट होती है, मैं एक ये देखिए आप, ये एक तरह का हार्ट कैसे कंट्रैक्ट होता है। ये राइट एट्रियम है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है जो मैं बताया आपको, ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, तो जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड लंग्स में जाता है थ्रू द पल्मी आर्टरी, ये वेल्व ओपन हो जाता है, फिर ये लंग्स से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट साइड में आता है। एक जब ये माइटल वेल्व है कभी ओपन होता है, फिर जब ये कंट्रैक्ट करेगा वो क्लोज हो जाता है, तो ब्लड एओर्टा में जाता है। और इसी तरह अगर हम इसको सिग्नल्स को देखें हार्ट के अंदर, ये नीचे ECG होती है, जो आपको मैं बताऊंगा कि ECG के क्या क्या हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ये एक तरह रिफ्लेक्शन है। और अभी नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, ये ब्लड वॉल्यूम हार्ट जब भर जाता है तो फिर इजेक्ट होता है, फिर खाली हो जाता है, फिर भरता है, और ये वेंट्रिकल का जो जब कंटेक्ट, तो ये थोड़ा सा फिजियोलॉजी है हार्ट की जो के द वे इट फंक्शन। और ये जो इसकी कंट्रैक्शन जैसे मैंने कहा ऑटोमेटिक है, ये अपने आप ही चलता रहता, हमें पता भी नहीं लगता। जैसे 70 टाइम से एवरेज पे एक मिनट में बीट करता है, तो कई बार इसका कंट्रोल भी है ब्रेन मेडुला अबलोंगेटा जो कहते हैं वहाँ पे इसका कंट्रोल भी है, वहाँ से इम्पल्स अगर आ जाए कुछ, उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो थोड़ा आगे आएगा वो, उससे इसकी पल्स रेट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। सो इस तरह ये जो है हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का काम करता है। एक जो कार्डिक साइकिल जो मैंने बताया जो 70 टाइम आता है, तो इसका है दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय, ये तो एट्रियल सिस्टले की बात है, ये भी थोड़ा बताऊंगा। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल हम कहते हैं उसको, जो जनरेट होती है पल्स साइनस नोड से, वो होके फिर वो कंडक्ट होती है टू द वेंट्रिकल्स बाय AV नोड, जैसे मैंने बताया बंडल ऑफ हिस एंड देन हिस ब्रांकियल सिस्टम, टू द इंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर में चले जाती है कनेक्शन, एंड इससे वो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये आप देखिए इसको डायग्राम को फिर, हाँ ये देखिए मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। तो इस तरह ये जो है कंटिन्यूस कार्डिक साइकिल चलता है। तो जैसे वेंट्रिकल द प्रेशर इंक्रीजेस द फर्दर सेमिलोनल वेल्व्स, मैंने बताया ओपन होते हैं एंड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड गो टू द पल्मी आर्टरी एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द एओर्टा विच इज ए फ्रेश ब्लड एंड दिस इज ए डी जिसमें सेचुरेशन, मतलब इट्स ए डी सेचुरेटेड ब्लड।
तो वेंट्रिकल्स इसे रिलैक्स भी करते हैं जब ब्लड अंदर आता है, और कंट्रैक्ट करते हैं जब ब्लड को वो पंप करते हैं बॉडी को। सो ये एक हार्ट का साइकिल है और उसका है। तो जैसे भी वो वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो ब्लड उसमें आता है, एंड माइकल वाल्व ओपन होता है लेफ्ट। तो ये थोड़ा जैसे मैंने उस डायग्राम में आपको दिखाया तो इसमें वही इस तरह का मेंशन है, द ब्लड वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल। तो ये थोड़ा मैकेनिज्म चलता है। अब ये जैसे मैंने कहा कि हार्ट जो 70 बारी ऑन एन एवरेज पर मिनट बीट करता है और उसमें अराउंड 60-70 सीसी ब्लड वो इजेक्ट करता है बॉडी के लिए, और अगर एक मिनट में देखें हम तो 5 लीटर ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है एक मिनट के। इसको हम कार्डिक आउटपुट भी कहते हैं। ये होता है हार्ट रेट कितना है और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है। और कई लोगों का अगर हार्ट रेट बढ़ जाए, जैसे को आप खेलते हैं, जब आप एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, गेम करते हैं, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट बढ़ता है तो बॉडी को उस टाइम ब्लड सप्लाई एक्टिविटी के लिए और चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट रेट जब बढ़ जाता है तो ये आउटपुट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी दैट टाइम गोस मोर बिकॉज ऑफ यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर डूइंग सम अदर, यू आर नॉट रेस्टिंग। सो दे बड़ा एक नोवल मैकेनिज्म बना हुआ है हार्ट का कि किस तरह अगर बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो कैसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना है, और रूटीन रेस्टिंग में कितना ब्लड सप्लाई करना है। इसको ही हम कहते हैं कार्डियक सिस्टोल डायस्टोल एंड कार्डियक दिस इज वेंट्रिकल सिस्टोल, जबकि वेंट्रिकल रेड में दिखाया गया है जो कंट्रैक्ट होके ब्लड पंप करता है बॉडी को, और फिर जो रिलैक्स होता है जब ब्लड रिसीव करता है बॉडी में तो उसको डायस्टोले कहते हैं। ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं ये डायस्टोले है और ये सारा सिस्टोले है। ये थोड़ा एट्रियल कंट्रैक्शन होती है जब एंड ऑफ बिफोर स्टार्टिंग द वेंट्रिकल पंपिंग, उससे पहले एट्रिया थोड़ा फोर्स करके और ब्लड उसमें भेजता है, उससे थोड़ा ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। तो ये एक साइकिल है कार्डिक साइकिल। ये 0.8 सेकंड के करीब होता है जिसमें 0.3 होता है सिस्टोल का और 0.5 के करीब होता है फॉर डायस्टोले। दिस इज मोर टाइम फॉर द ब्लड टू फिल एंड द लेस टाइम फॉर द ब्लड टू पंप आउट द ब्लड, बट दिस इज ये थोड़ा हमें जब किसी लोगों को बीमारियां होती हैं उसमें इसमें ऑल्ट्रेशन आते हैं, तो उसमें तो मैं अभी नहीं आपको, तो आपके थोड़ा स्टैंडर्ड से ऊपर हो जाता है। तो ये थोड़ा है कि हार्ट क्या स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट के चेंबर कितने हैं, हार्ट में वेल्व्स हैं जो ब्लड बॉडी से आता है फिर ब्लड बॉडी को जाता है। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नाउ देखिए जैसे अगेन इस डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा कि ये जो ये वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोल जिसको कहते हैं, ब्लड जा रहा है एओर्टा में और पल्मी आर्टरी में ये राइट साइड से, जो वीनस ब्लड कहते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और लेफ्ट में जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेट होता है फ्रेश टू लंग्स के आता है। और फिर ये डायस्टोले जब ये थोड़ा चेंबर बढ़ जाते हैं और ये खुल जाते हैं वेल्व, राइट साइड का ट्राइकस्पिड खुल जाता है तो ब्लड सारा बॉडी वाला राइट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट साइड का जो लंग से ब्लड आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो माइटल वेल्व खुलता है तो यहाँ भर जाते, दोनों चेंबर भर जाते हैं, फिर वो जो इम्पल्स आती है तो वो कंट्रैक्ट, ये थोड़ा एट्रिया कंट्रैक्ट करता है तो पुश मोर ब्लड, उसके बाद फिर ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए पंप करते हैं। तो ये एक तरह का कार्डिक साइकिल है। जैसे मैंने फिर आप देखिए कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बिल्कुल रिलैक्स हो गया, ब्लड इसमें फ्लो किया, फिर एक कंट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पंप हुआ। अब हार्ट के अंदर दो साउंड्स होती हैं जो आपने देखा होगा कई बारी जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, क्योंकि उन साउंड्स की इम्पोर्टेंस होती है, उससे पता लगता है कि हार्ट का जो वेल्व है वो माइटल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व या जो सेमी लूलन जिसको हम एओर्टिक या पल्मी कहते हैं नॉर्मल हैं, उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, थोड़ा ऑस्कल्टेशन से पता लगता है।
तो जो हम कहते हैं उसको टू हार्ट साउंड होती हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड इज विच इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड एंड द माइटल वेल, वेयर एज द सेकेंड हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर बल्ब्स एंड दिस इज योर्टिक एंड पल्मी वेल। तो ये दो साउंड भी हम सुनते हैं, इसको हम कहते हैं लव एंड डोप। देखिए अगर थोड़ा बात, ये फर्स्ट साउंड इज लाइक ए लव होती है, द सेकंड साउंड इज लाइक डोप होती है, और ये दोनों साउंड, और पहले जब शुरू शुरू में दिस इज ए क्लोजिंग ऑफ द एटियोवेंट्रिकल वेल्स माइटल एंड ट्राइकस्पिड वेल, एंड ये सेकंड साउंड आती है जो है क्लोजर ऑफ द सेमिलूनर वेल्स एओर्टिक एंड पल्मी वेल, एंड दिस वे ये जो नॉइज लव डोप जो मैंने बताया होती है। और इसको अगर आप अपनी हार्ट की साउंड सुनना चाहते हैं ना, आप एक अपना पेपर को ऐसे रैप कर लीजिए, इस तरह करके उसको ऐसे करके रैप अपने एक तरफ कान में लगा लिया और किसी के हार्ट में ऐसे रख लीजिए, तो ये अब आपको उसकी हार्ट साउंड सुनेंगी। जब ये स्टेथोस्कोप पहले नहीं होती थी तब इस तरह ही डॉक्टर भी किसी की हार्ट की साउंड सुनने के लिए इसी तरह सुनते होते थे। तो ये बाद में स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ विच बिकेम मोर सिंपलर। सो दिस इज हाउ ए हार्ट साउंड जो हम लोग कहते हैं, पहली फर्स्ट साउंड हार्ट किसको कहते हैं जो क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड माइटल वेल्व की होती है, और सेकंड साउंड होती है जो कि क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मी वेल्व की होती है। तो जैसे ये तो थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर के बताया, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे थोड़ा बताया आपको मैंने कि कैसे इम्पल्स शुरू होती है। एक टिश्यू है हार्ट के अंदर जहाँ से ऑटोमेटिकली इम्पल्स शुरू होती है जिसको एस ए नोड कहते हैं, फिर वो ट्रांसमिट करती है वेंट्रिकल में, उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होती है। इसकी सारी रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं ईसीजी से, वो बताएगा कि पहले एट्रिया एक्टिविटी कौन है, वेंट्रिकल कहाँ कंट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ डायस्टल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक ईसीजी होती है जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, देखा भी होगा, इस तरह इसकी ईसीजी में आता है, जिसमें पी वेव कहते हैं जो एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से है, एक क्यू आर एस वो आता है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की वजह से है, ये सारा पीरियड सिस्टले है दूसरा। तो ये थोड़ा दीज आर इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग फ्रॉम द हार्ट ना, जिससे हमें पता लगता है कि नॉर्मल है या कुछ अबनॉर्मेलिटी है। यही तरीका है कि हम किसी बीमारी को जो डायग्नोज करते हैं कि इसको किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी का चेंबर थोड़ा हाइपरट्रॉफिड है, जिसकी कैसे ब्लड प्रेशर होता है लोगों को। अब ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत फोर्स से कंटैक्ट करना पड़ता है, तो उसका मसल और थिक हो जाता है। जब थिक हो जाता है तो ये ईसीजी वगैरह में हमें थोड़ा इसका ज्ञान होता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो गई। तो ये तरीके हैं, ये हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव हम इसको मेथड्स और टूल्स कहते हैं, जिससे पता लगता है कि हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, उसमें अबनॉर्मेलिटी तो नहीं, अगर है तो किस तरह की अबनॉर्मेलिटी है। सो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टीवी जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया इसके बारे। नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन जस्ट थोड़ा इसके बारे, ये है कि लंग्स में जो होता है वो ब्लड जाता है, और मेन लंग्स का फंक्शन है ऑक्सीजनेशन, बिकॉज जो डीऑक्सीजनेटेड हम कहते हैं जो ब्लड, जो ब्लू ब्लड बाहर से बॉडी से जहाँ से बॉडी के फंक्शन के बाद जो भी सब्सटेंसेस होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल भी कह लो, वो वेन से आता है, फिर वो लंग्स में वो जो कैपिलरी के थ्रू तो ऑक्सीजनेशन होती है, तो फ्रेश ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन की इम्पोर्टेंस है इनटू द सर्कुलेशन। अगर किसी को लंग की बीमारी है तो उसकी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उसको तकलीफ हो सकती है। तो ये थोड़े मैकेनिज्म हैं, जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन जैसे मैंने बोला वो थोड़ा आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स के थ्रू होता है। और जितने सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है, इस सारी जो एओर्टा से ब्लड जाता है बॉडी में, हर एक आर्टरी जैसे किडनी है उसकी आर्टरी है, उसको रीनल आर्टरी कहते हैं, जो गट्स है उसकी होती है, हर एक इवन हार्ट के लिए भी आर्टरीज हैं जो कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, जो कि ब्लड फ्रॉम दी जब पंप होता है तो वो आर्टरी के थ्रू
ब्लड जो है हार्ट के मसल को जाता है। थोड़ा स्टक हो गया है प्रेजेंटेशन। तो एनीवे ये तरीका है, जैसे मैंने बताया एनाटॉमी के बारे में मैंने बात करी, थोड़ा फिजियोलॉजी के बात करी आपको, और थोड़ा सर्कुलेशन के बात करी। अब मैं थोड़ा आपको ब्लड का जो उसके अंदर फ्लो करता है ब्रीफली उसके बारे में बताऊंगा। ये थोड़ा ओके, ये मैं थोड़ा बोल देता हूँ। हाँ, तो ब्लड जो है, मैं उसके बारे थोड़ा आपको शेयर करना था कि ब्लड के अंदर ये जो फ्लो करता है आर्टरीज में और वेन्स में, ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा होता है और एक सेल्स होते हैं। तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको प्लाज्मा और सेल्स क्या होते हैं, जिसको सेल्स को हम फॉर्मेंट एलिमेंट भी कहते हैं। 55% कॉन्टैक्ट ब्लड का होता है प्लाज्मा, अराउंड 45% होते हैं सेल्स। तो प्लाज्मा के अंदर जैसे प्रोटीन्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर है, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, वो अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर एक इस तरह के कोगुलेशन कोई पैरामीटर्स हैं, जब वो एक्सपोज करते हैं सरफेस को या तो अपने आप वो एक्टिवेट होकर उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी न्यूट्रिएंट भी जाते हैं थ्रू प्लाज्मा टू डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड जो बेस प्रोडक्ट है वो वहाँ से आते हैं। और जो सेल होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। कैन आई ऑन इट नाउ? तो तीन तरह के सेल होते हैं। एक तो रेड ब्लड सेल कहते हैं हम, रेड ब्लड सेल जो होते हैं और रेड होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, उनमें सेल नहीं होता। और ये जो WBC एक होते हैं वो, उसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और वो जो है जो मेनली इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, अगर बॉडी को इन्फेक्शन हो जाए वो WBC काउंट बढ़ भी जाता है। और इस तरह उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ईओसिनोफिल हैं, बेसोफिल हैं, एक टाइप ऑफ सेल होते हैं। हर एक सेल का अपना अपना प्रॉपर फंक्शन है। जो रेड ब्लड सेल जैसे ऑक्सीजन करते हैं, रेड क्यों होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन जब उसमें आती है तो रेड होता है, दैट्स व्हाई वो रेड कहते हैं। और ये इनकी लाइफ जो होती है रेड ब्लड सेल की, अबाउट 3 महीने के अंदर अंदर जो बन जाते हैं बोन मैरो है बॉडी में जो इनको प्रोड्यूस करती है, पर 3 महीने के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक स्प्लीन ऑर्गन है बॉडी का जहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर उसके बाद जो रेड ब्लड सेल WBC हैं वो बढ़ते भी हैं। तो ये थोड़ा जो सेलुलर एलिमेंट है और प्लाज्मा है, जो ब्लड जो फ्लो करता है हार्ट के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू एंड वेन के थ्रू आता है, तो ये इस तरह का सर्किट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर यस सर, टिल आवर प्रेजेंटेशन कम्स इन टू ऑर्डर इट विल टेक ए मिनट, मे आई इंटरप्ट इन बिटवीन एंड जस्ट, आपने दिल की तो सैर कराई है, पूरा दिल ऐसा लग रहा है कि दिल की हमने सैर कर ली इस बीच में, बहुत अभी चल रहा है सर, लेकिन इन द मीन टाइम आपने एफिशिएंसीज की बात की, पोटेंशियल्स की बात की, तो एक जस्ट मुझे सवाल मिल रहे हैं YouTube के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से, तो कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं कि वोल्टेज की मात्रा क्या है, लगभग कितना वोल्ट है, जैसे ECG से जो आपने सिग्नल दिया तो लगभग 5 वोल्ट। और देखो ये तो एम्पलीट्यूड जो होती हैं ये माइक्रो वोल्ट्स में आती हैं, वोल्ट में तो नहीं आती। अच्छा, बट क्वेश्चन ये है कि आप कितनी उसकी वोल्टेज होती है वो मैं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात सकता, कोई बात बट वो इतनी एनफ होती है कि हार्ट को कंटेक्ट करे। जैसे हम कोई पेस मेकर लगा दें हार्ट में, किसी का अपना हार्ट काम ना करे तो उसमें पेस मेकर लगा जाता है, जो पेस मेकर की पल्स की एम्पलीट्यूड होती है वो यूजली हम 5 माइक्रो एम्पलीट्यूड होती है, 5 माइक्रो मिलीवोल्ट्स। तो ये तो थोड़ा बड़ा रिफाइन पे काम करता है। डज दिस रेस्पॉन्सेस एज फार एज एम्पलीट्यूड्स आर कंसर्न डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ड्रास्टिकली? और नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड का इसका फर्क नहीं, वो तो हार्ट जो है सारे जो इम्पल्स पल्स आती है या जो एक कनेक्शन आता है तो उससे वो कंट्रैक्ट होते हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्वेश्चन ये है कि जब ये कुछ बीमारियों में अबनॉर्मेलिटी होती है वो तो फिर
थोड़ा आ गया था, कैसे आप पिक करते हो? जैसे हार्ट रेट का है, मैंने बताया ना एक्सरसाइज करने में हार्ट रेट बढ़ जाता है, नॉर्मली तो हार्ट 70 पे बीट करता है, तो ब्रेन से इम्पल्स आती हैं उसको हार्ट को बढ़ाइए, बिकॉज बॉडी को ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. यस, सो दैट इज द रिएक्शन टाइम. हाँ, तो वो ब्लड ज़्यादा चाहिए. अगर आप 70 बारी बीट करोगे, जितना ब्लड 5 लीटर जाता है बॉडी को, चाहे 15 लीटर की ज़रूरत है, बिकॉज एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल को और ब्लड चाहिए, सारे ऑर्गन को ब्लड चाहिए, तो ऊपर ब्रेन से इम्पल्स आती हैं कि और बढ़ाओ, तो रेट 100 हो जाता है, 120 भी हो जाता है, देन उससे फिर ब्लड ज़्यादा पंप आउट होता है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है. ये देखिए कैसे नेचर ने, कार्डियक आउटपुट, देखिए नेचर ने कैसे ये चीज क्रिएट करी है. हम तो सोचना ही मुश्किल है, मेडिसिन में बहुत एडवांस हो गई हैं, पर अगर आप बॉडी के ऑर्गन्स के बारे सोचो, जैसे ये कंसीव हुआ, कैसे हुआ, ये सोचना ही मुश्किल है. मुश्किल है. यस सर, रिलेटेड टू दिस आई हैड अनदर क्वेश्चन इन माय माइंड व्हिच आई हैड रिटन. वी ऑफन व्हेन वी डिस्कस द फ्लूइड मैकेनिक्स इन जनरल in the physics or chemistry curriculum, or particularly mechanical engineering curriculum, I believe, and I am a strong follower of this, that all are interrelated. Oh. All are interrelated very well. This is we who have divided it in different parts. Oh, yeah, exactly. But we often talk about, when we discuss about heart systems or circulatory systems in our mechanical engineering particular, we often make this statement that our heart can work with almost 400 times efficiently with what it is normally done in usual cases when we are sitting, when we are relaxing. Oh, yes, you're right. This is, it all depends ko kisin jo athletes hain, jo marathon race karte hain, ya koi jo 100 meter stream karte hain, unka to output badhna hai, to tabhi heart kaam karega. They require. So, ye body ne, you can train yourself. Yes, sir. I mean, that's the another beauty, that you can train yourself. Kitna aapko मेहनत करके उसमें मसल थिक भी हो जाता है. हम कहते हैं जैसे एथलीट्स का एथलीट हार्ट होता है, उनका जो हार्ट थोड़ा और हाइपरट्रॉफी होता है, बिकॉज उनको पंप ब्लड ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये और कई बार कार्डियक आउटपुट, कई बार वो इतना पंप करते हैं कि उनकी पल्स रेट थोड़ा स्लो रहती है. जो ये टेनिस प्लेयर था बॉर्न बॉक, उसकी जो पल्स रेट थी वो 37-40 रहती थी. यस, एंड ऑफन यस. हाँ, तो रीजन वो ट्रेन किया हुआ है हार्ट है, इसलिए ऐसे होता है. तो persons. आपने भी कहते हैं ना, मेडियो जो हमारे ऋषि हैं वो भी समाधि में लग के अपना हार्ट बंद कर सकते हैं, बड़ा स्लो कर सकते हैं. तो एक बॉडी के अंदर कंट्रोल है, अपने आप को आप कैसे इस चीज को, बट मेहनत करनी पड़ती है उस तरह. यस डॉक्टर सलवा, वी विल कंटिन्यू ऑल दिस डिस्कशन टुवर्ड्स द एंड. वी रियली अपोलोजाइज फॉर दिस ब्रेक, आई मीन टेक्निकल फॉल्ट इज टेकिंग प्लेस. सो प्लीज कंटिन्यू विद योर सेशन एंड देन वी विल टेक अप दिस क्वेश्चंस. सो अगेन आपको जस्ट बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में. हार्ट है देखिए, और मैंने आर्टरी जाती है, और ये सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है, वेन से आता है, फिर ये लंग्स में जाता है, हार्ट से तो यहाँ ऑक्सीजनेशन होता है, फिर वापस. दिस इज द काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मैंने जो आपसे बात करी है. और मैं आप थोड़ा सा आपके पास ये जैसे मैंने आप बताऊँ सिंपैथेटिक, जो मैंने कहा ना कि न्यूरल सिग्नल थ्रू ए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बॉडी का, जिसके थ्रू ये सिग्नल आते हैं टू द हार्ट के रेट बढ़ाने की ज़रूरत है. रेट कम, जब सोए हुए हैं उस टाइम रेट ज़्यादा नहीं चाहिए, रेट कम करने की ज़रूरत है. उस तरह के ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, और फिर एक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है. दोनों ये हार्ट के फंक्शन को, रेट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रैक्शन को भी कंट्रोल करते हैं. और मैं फिर क्विकली तो बीमारियों की बात, जैसे ब्लड प्रेशर है, बट मैं आपको सर्कुलेशन पे जाऊँ. ये हम टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन जो है ना, जो हार्ट की अबनॉर्मेलिटी, मैंने ECG के बारे बताया, फिर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, एंजियोग्राफी हम करते हैं. तो ये थोड़ा जैसे एक्सरे है, अब इसमें देखो ये दोनों लंग्स के, जो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, ये लंग्स हैं दोनों, और इनके बीच में हार्ट है लगा हुआ, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये ब्लड के बारे में मैंने बताया आपको, जब थोड़ा हमारी बीच में रुकावट आई, तो ये प्लाज्मा और सेल्स होते हैं, ये राइट बैंड RBC हैं, जो कि बाई कनकेव, और ये रेड होते हैं, सेल इस पर नहीं होता ये सेल, और इस तरह ये वाइट ब्लड हैं, वाइट ब्लड सेल जो कि इन्फेक्शन के लिए फाइट करते हैं बॉडी में. किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो इनका नंबर बढ़ जाता है, और ऐसे ये प्लेटलेट काउंट होते हैं. सो तीन सेल हैं जो
और प्लाज्मा, जैसे मैंने कहा 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा एंड 45% जो होता है ये सेल्स होते हैं उसमें, और प्लाज्मा में जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, कभी किसी को चोट लग जाए, ब्लीडिंग होता है, आपने देखा वो अपने आप ही थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाता है, क्लॉट बन जाता है वहाँ पे। ऐसी तरह प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम एल्ब्यूमिन्स कहते हैं, ग्लोबुलिन्स कहते हैं, ये थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का बाय ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन में थोड़ा ये ऑस्मोटिक प्रेशर तो जो परमिएट होती हैं टू दी बॉडी थ्रू कैपिलरीज, तो ये थोड़ा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आई थिंक एक मैं ही कहूँगा कि जो इस सिस्टम है बड़ा अमेजिंग है, कहते हैं कि अमेजिंग हाईवे है हार्ट से ब्लड वेसल से, अगर आप इसकी पूरी लेंथ देखें, कहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर्टा टिल कैपिलरी तक लेके जाएं तो कहते हैं 1,00,000 किलोमीटर हो जाएगा, ये इतना अमेजिंग हाईवे बना हुआ है बॉडी के अंदर जो बॉडी की सर्कुलेशन को करता है। सो ये बहुत, और यही समझना ही पड़ता है कि नॉर्मल क्या है और जब किसी को बीमारी होती है तो क्या हो सकता है और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन भी लिए जाते हैं कि बीमारी से बचने के लिए, ताकि सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये प्लाज्मा के बारे में मैंने बता दिया, ये सेल्स के बारे, WBC जो कहते हैं, लीकोसाइट्स जिसको न्यूट्रोफिल हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, और हर एक का अपना अपना थोड़ा फंक्शन होता है हर एक सेल का। RBC जैसे ऑक्सीजन लेके जाते हैं बॉडी ऑर्गन में, ये बोन मैरो से बनते हैं और मैंने बताया, और ये बॉडी के अंदर 5 मिलियंस RBC होते हैं पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यू कैन इमेजिन इतना कितना इनका कंटेंट है। और रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन जो हम मेजर करते हैं, दैट शोज RBC कि 12 से 16 ग्राम होता है नॉर्मली, तो और 120 दिन के अंदर मैंने एक बार बनने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए RBC बनते हैं। तभी हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि ब्लड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी अपने आप जनरेट और करती है, तो ये ब्लड डोनेशन जो है उससे कोई बॉडी का ब्लड कम नहीं होता। और ये लीकोसाइट जो मैंने कहा, ये 2 तरह के हैं, वाइट लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, और ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन से बचाने। आजकल कोविड है, अब कोविड में कहते हैं बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, ये लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एंटीबॉडी बनाती हैं, इसको लिम्फोसाइट्स को रादर 2 तरह कहते हैं हम, ये बी सेल और टी सेल होते हैं, तो ये दोनों बॉडी की इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और आजकल होता है ना कि कोविड एंटीबॉडीज़ बॉडी में लोग ये मेजर करके भी देखते हैं इन्फेक्शन के बाद कितनी एंटीबॉडी बन गई हैं, ऐसे ही मोनोसाइट्स हैं बेस। सो ये सारे सेल देखिए किस तरह नेचर ने ऑर्गन को क्या चीज़ें बनाई हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है, वो बड़ा प्लेटलेट है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। आपने सुना होगा डेंगू की बीमारी में लोगों का प्लेटलेट कम हो जाता है, जो डर ये होता है कि उनको ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, तो कैसे उस प्लेटलेट को हम बाहर से इन्फ्यूज़ करते हैं टेम्परेली, फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सिस्टम है, ये फाइनली ये जो हार्ट का मैंने दिखाया स्पेसिमन, एंड बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका इस मौके के लिए। और मैं सब बच्चों को फिर परमात्मा को मैं फिर अरदास करता हूँ कि सबको भगवान बहुत ताकत दे, अपनी मेहनत करें, अच्छे अच्छे स्कोर करें, और जो जो भी वो बनना चाहते हैं अपने कैरियर में अब बने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन एंड व्यूअर्स, आई एम श्योर दैट यू हैव एंजॉयड विद प्रोफेसर तलवार टुडे, उन्होंने पूरे दिल की सैर कराई है। हमारे पास सर आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, मैं कुछ चुनिंदा सवाल आपसे लूँगा। जो आपने दिल की सैर कराई, पर दिल एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अक्सर कहते हैं दिल मांगे मोर। उस दिल मांगे मोर पर हमने कुछ सवाल पहले भी पूछे हैं अपने जो हमारे पास एक्सपर्ट्स आए हैं। मुझे याद है कि प्रोफेसर गगनदीप कांग यहाँ पर थी, तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। आज वही सवाल मुझे फिर से याद आ रहा है। हमने उनसे सवाल पूछा था वैक्सीन्स के बारे में कि यूनिफाइड वैक्सीन कि क्या उसके लिए काम चल रहा है। उन्होंने उसके बारे में हमें बहुत विस्तार से फिर समझाया था, बताया था कि क्या उसमें प्रगति है जी, क्या उसमें वायरोलॉजी के हैं। तो मैंने उनसे आज आपसे वही सवाल, आपका रिश्ता दिल से है तो वही सवाल मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सर।
कि क्या एक ऐसा ब्लड सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं कि विदाउट टेकिंग इन अकाउंट कि इसका क्या ग्रुप है, क्या ग्रुप नहीं है, क्या ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, मीन्स ए यूनिफाइड ब्लड सैंपल विच कैन बी गिवन टू एनी पेशेंट इन जनरल, नॉट इन, इफ नॉट इन पर्टिकुलर। देखिए ना, जो आपने सवाल किया बहुत ही अहम इशू है। क्या है कि बॉडी के अंदर अपना अपना डिफेंस सिस्टम है। कोई भी चीज़ अगर बाहर से आएगी जो कि बॉडी के वो बॉडी रिएक्ट करती है उसको। नाउ ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ए है, बी है, आर एच नेगेटिव है या ओ ग्रुप, ये जो हैं कि बॉडी का अपना है। अब कोई दूसरे ग्रुप का अगर ब्लड आ गया बॉडी में तो बॉडी रिएक्ट करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, भी उसके ऊपर तो अटैक सा हो रहा है। yes. जैसे आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ले लीजिए, उसमें यही इम्यूनिटी कम करते हैं। भाई अगर आप हार्ट किसी का लगाएंगे, अगर वो मैच नहीं, मतलब वो मैच करेगा तो ठीक है ग्रुप्स के मुताबिक, अगर नहीं मैच करेगा तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी। अब उसको हैंडल करने के लिए तभी आपको बॉडी की इम्यूनिटी को दवाई देके कम करना पड़ता है। वी गिव इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स फॉर दैट। तो उसका दिक्कत होता है, उससे आपकी इन्फेक्शन, जो आपकी स्ट्रेंथ है इन्फेक्शन से बचने की, वो बढ़ जाती है। सो ये बड़ा, मैं नहीं, जो आपने सवाल पूछा है सर, ऐसा हो कोई फर्क ही ना पड़े। नहीं सर, सब देखना हमारा काम है। हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए मेरा अपना फीलिंग है कि नेचर के अंदर हर एक चीज का स्कोप है, मेरे को लगता है। अब वो नेचर ने ऐसा है कि आपको सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम का उसने दिया हुआ है, वो ढूंढना तो आपको ही है। सर तो वो जो है, इसी को साइंस को कहते हैं ना, कि जिस चीज़ का हमें पता नहीं है हम कहते हैं तो स्पिरिचुअल में चले जाती है, जिसकी हमें नॉलेज हो जाती है वो हमारे साइंस में आ जाती है, साइंस में आ जाते हैं। यस यस। तो ये मेडिसिन में हम देखते हैं, देखिए कि भी हर एक चीज़ का मेडिसिन में इलाज शायद है, पर वो ढूंढना तो इंसान को कोशिश करके पड़ा। कई ढूंढे भी गए हैं ऑलरेडी। अब देखिए कोविड का, अगर वैक्सीन ना बनती एक साल में, yes. तो शायद हम सोचते भी क्या होता हमारे। यस सर, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इंडीड। सो ये साइंस बढ़े भी बहुत है पर नेचर भी कम नहीं है। अब देखिए क्या वायरस आया, किसने सोचा था कि इस तरह का वायरस भी आ सकता है, को सब दुनिया को हिला दे, मतलब सारी मेडिसिन कम्युनिटी को हिला दिया उसने, हेल्पलेस से हो गया भी इंसान। ये क्या हुआ, एक साल तो ऐसे ही रहा ना। बट एट द सेम टाइम सर, द मेडिसिन कम्युनिटी हैज रेस्पोंडेड टू द नेचर्स कॉल रिमार्केबली। आई मीन दिस हैज इंडीड बीन अ रिमार्केबल दैट विद इन अ ईयर द वैक्सीन वाज रोलिंग आउट। के वैक्सीन नॉर्मली जो वैक्सीन बनी है अभी तक 5-10 साल मिनिमम लगते हैं वैक्सीन के मैच्योर होने में। यस ये पहली बार है कि एक साल के अंदर आपके पास वैक्सीन आ गई जिसने आपने आपने यूज भी किया। नॉट ओनली आ गई, वो इतने सारे लोगों पर एडमिनिस्टर भी हो गई। अभी हुआ है, आप देख लीजिए कोविड में जितने लोगों को, जो ये वीवी वेव आई है, जितने लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी वो बचे रहे हैं, चाहे इन्फेक्शन हुई है। ज्यादा जो अभी डेथ्स हुई है, मॉर्टेलिटी हुई है, उनमें हुई है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था या कोमोर्बिड थे। हाँ वो तो चलो कोमोर्बिड से आपकी अपनी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है वो अपने आप कम हो जाती है। यस सर, तो एक छोटा सा सवाल, मैं देखिए फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ सर, तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, तो फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह से मेरे पास फिजिक्स के कुछ सवाल भेजे हैं। एक बच्चे ने पूछा, मैं उसी की लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछूंगा। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आई वुड लाइक टू नो हाउ हार्ट और बॉडी डिस्टिंग्विश among oxygenated and deoxygenated bloods, like what senses the drop in oxygen levels in blood vessels, and what is the limit of oxygen content in blood below which it is considered deoxygenated? Some numbers. देखिए ऐसा है कि normal जो हम उसको oxygen saturation एक तरह कहते हैं, normal body में जो saturation होती है, जो blood oxidated पूरा हो तो 95-100% होता है। जो ऑक्सीमीटर भी आते हैं आजकल, तो इसने कोविड ने तो ज़्यादा ही महसूस कर दिया है, तो हर एक घर में है, तो जब लगाएंगे उसमें सेचुरेशन आएगी 95-100 हम नॉर्मल गिनते हैं। अगर ये 93 से कम हो जाती है, इट मींस बॉडी में डी सेचुरेशन हो रही है, ब्लड प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा।
हम एक क्लिनिकली कहते हैं सर, देखा होगा कि लोगों के नाखून बीमारियां होती हैं, ब्लू हो जाते हैं, टंग ब्लू होती है, आंख का जो कंजेंटल ब्लू होता है वो कंजेंटल हार्ट जो कि मिक्स ब्लड होता है, कुछ ऐसी अबनॉर्मेलिटी होती हैं जो ये अनडीसेचुरेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाए तो कई बार अबनॉर्मेलिटी है तो वो सेचुरेशन कम, कई लोगों का ब्लूनेस होता है, वो तब पता लगता है क्लिनिकली जब सेचुरेशन 83 से कम हो जाती है, उसके बगैर वो बिना ऑक्सीमीटर के नहीं पता लगेगा। तो अगर किसी की 83 से कम हो गई हो तो हमें क्लिनिकली भी हम कह सकते हैं तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो गया, पर नॉर्मली 95 to 100, और अगर 93 से बिलो हो जाता है इट मीन डी ऑक्सीजन हो रही है, और 88-89 तक बॉडी थोड़ा फिर भी टॉलरेट कर लेती है, अगर उसके बाद नीचे जाता है फिर हमें भी हेल्प तो भी देना पड़ेगा, नहीं वो बढ़ता जाएगा और वो थोड़ा बॉडी को अफेक्ट करता है। यस यस यस, वेरी वेल एक्सप्लेन सर, मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में सर, मेरे साथियों को भी, आई एम 100% श्योर। इन द मीन टाइम आई एम सीइंग दैट डॉक्टर फरकिया इज आल्सो हैविंग सम क्वेश्चन, सो डॉक्टर फरकिया यू प्लीज। आई हैव वन क्वेश्चन सर, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने के क्या रीजंस हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं जानना चाहती थी, और वेंस में ब्लॉकेजेस क्यों नहीं होते, अगर नहीं होते हैं तो? देखिए ऐसे है कि जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड इसमें फ्लो करता है, जैसे मैंने बताया कि तीन लेयर्स होती हैं, नीचे वाली इंटीमा होती है, क्या होता है कि बॉडी के उस लेयर में कई बार डिपॉजिट हो जाते हैं जिसको हम फैटी डिपॉजिट कहते हैं, अगर वो उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं इसको कहते हैं प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वो जो है जब नैरो हो जाते हैं तो उससे ये बीमारियां, नैरो होने से जो पैसेज है, जो इतना पैसेज है और इतना कम हो गया तो ब्लड फ्लो थोड़ा उससे करेगा, अगर वो इतना नैरो हो गया है तो वो ब्लड जाएगा नहीं ऑर्गन को प्रॉपरली, तो बॉडी सफ़र करेगा। अब हार्ट का भी क्या होता है, जब हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें ये फैटी डिपॉजिट हो जाएं जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं तो नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो हार्ट को कम हो जाता है, हो सकता है रेस्ट में वो ब्लड उतना ही ठीक है पर जब वो एक्सरसाइज करेगा वो नहीं कंपनसेट कर सकता, इट्स फॉर पेन वगैरह जिसको हम अंजाना कहते हैं, वो कहते हैं इट इज़ ए क्राइंग ऑफ द हार्ट, जब उसको पूरी ब्लड सप्लाई नहीं होती, न्यूट्रिशन नहीं मिलती, वो क्राई करता है, वो क्राई इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेन, तभी चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक का एक फीचर है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है जो कि तभी ये इस बीमारी का कुछ तीन रीज़न है, एक तो है लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल आजकल तभी कहते हैं इनको लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, ये मतलब आपका खाने में ठीक नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो दूसरा एक जेनेटिक्स एलिमेंट भी है, कई रेसेस ज़्यादा प्रोन है, जैसे कहते हैं इंडियंस को, साउथ एशियंस को यंग एज में हार्ट अटैक होते हैं एज कम्पेयर टू कॉकेशियन पॉपुलेशन, वो कुछ हमारी जेनेटिक, तो ये एपिजेनेटिक्स है, आपकी जेनेटिक प्रोननेस है प्लस एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल आपके हैं, आप दोनों जब मिल जाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर सपोज आप, आपकी जेनेटिक प्रोननेस है पर आपने अपने एनवायरनमेंट को और अपने लाइफस्टाइल को बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, आप इस अपने आप को बचा भी सकते हैं, तो इसी को ये कहते हैं एपिजेनेटिक्स का इशू। तो ये जो आपने पूछा एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है, जो आपने कहा वेन में क्यों नहीं होता, नाउ वेन में मैडम क्या है कि वहाँ उसकी बाल बहुत थिन होती हैं, इंट्रीमा भी मीडिया तो मसल होती नहीं है उसमें, तो उसमें ना कोई कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है ना कुछ है, पर वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, वो भी है एक बीमारी है, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, वेन में अंदर प्लस अगर ब्लड स्लो हो जाए सर्कुलेशन, उसके अंदर वेल्व होते हैं वेन में, अगर वो वेल्व भी एज से उनकी फंक्शन कमज़ोर हो जाए तो ब्लड पूलिंग हो जाता है, पूलिंग हो कि वो थोड़ा क्लॉट भी कर सकता है, इसको वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, तो ये है, बट एथेरोस्क्लेरोसिस वेन्स में नहीं होता, वो आर्टरीज में होता है। Yes, sir. Blood is a wonderful liquid. Yes, yes, this is true. And so is our heart, the muscles. I think one child has asked that what is inside the heart. So you have already given the answer, blood. muscles, etc. One again, sapne wale sawal, sir, hain. Brain
controls each and everything. You have also explained, we have been listening this right from our childhood beginning. And normally we can perform some experiments, very easy experiments, to find out these reaction times, that how much time brain takes in transmitting a signal to hand. For example, if I want to lift this and so on. You talked about this transmission of signal to the heart, where there is no mechanical system involved in. See, from brain to fingers, mechanical motions are concerned. In the case of brain to heart, it's all neurological, it's all nerves. Is it for normally, this is 0.7 seconds for male, Indian males, and 0.6 seconds for Indian females. So this is how we say that the females are able to react much faster than the males here. We have the scientific studies for that. Roughly, the time scales are similarly same or different? Maybe more quicker, because you see, suppose karo, like there is some sudden stress. आप गाड़ी चला रहे हो, सामने एक एक्सीडेंट, एकदम हार्ट आपका बहुत तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा. सो आई थिंक ये जो रिफ्लेक्सेस है, दी नॉर्मल रिफ्लेक्सेस टाइम कैन वेरी. ए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ऑफकोर्स दी सिंपथेटिक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन से आती हैं. Oh, you can see those signals. I mean, there are wires. Yes, there are wires. Autonomic nerves जो हैं, आप dissect कर सकते हैं. वो brain में जाती, brain से आके heart में. पर ये जो timing है, sir, it can be very variable. Depends upon the how quickly you have to react. अगर suppose करो, आप देख रहे हैं अभी बहुत दूर है गाड़ी, मेरे को brake लगाने हैं, पर कुछ suddenly बिल्कुल सामने आ जाता है, और उस time अगर आप उनके heart की signal record करें, blood pressure record करें, pulse record करें, इट कैन बी वेरी क्विकली वेरी हेवाई. ये तो नॉर्मली कहते हैं कि ब्लड, आप किसी को बच्चे को मैथमेटिक्स सवाल दे दो, क्विकली उसने करना है, जितना आपको जल्दी करना होगा ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाए. दैट कम्स थ्रू प्रैक्टिस. सो ये मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं कह सकता. यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर दैट इट इज मच फास्टर देन, बिकॉज यस वी अंडरस्टैंड दैट सर. दिस इज व्हाई वी से दैट कीप डिस्टेंस. दिस इज व्हाई वी से कीप डिस्टेंस, बिकॉज देयर आर लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. We often discuss about the what is the beauty of our body and what are the limitations of our body in the sense of optical illusions, etc. We do it. But nevertheless, it was nice listening to you, Professor Talwar. We will have more such sessions. Aaj bahut maza aaya, aapne pure dil ki sair karai. Ye dil, to I will say it again, ye dil mange more. Abhi fir se hum aapse baat karenge. Viewers, I am sure that you have enjoyed today. You have enjoyed today's session with Professor Talwar. We really enjoyed while sitting in the studios of CIET and CRT, and we had been receiving good number of questions. We'll probably collect all those questions and we'll put answers of all those questions collectively at some forum and we'll inform it. Viewers, next, this is Friday, February 4th today, so next session is on February 11th. That is on Friday again, and that day we will be having Rajkumar Bhuiya from University of Melbourne, Australia. He will be joining us to talk about computers and internet technological progressions and applications, and he will be making us to ये जर्नी की बात चल रही है. आज दिल देखा, उस दिन हम कंप्यूटर देखेंगे, और कि कंप्यूटर्स पिछली शताब्दी में, पिछली पूरी एक शताब्दी में किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, उस सब हिस्ट्री को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे. Till then, viewers, thank you very much. Namaskar. Namaskar.